ऑप्टिकल फाइबर केबल कैसे काम करता है? ये सवाल तो आपके मन में कई बार आया होगा कि आखिर ये ऑप्टिकल फाइबर केबल काम कैसे करता? तो चलिए आपको बताते हैं। आज के समय इंटरनेट हम सभी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ये बात तो आप जानते ही हैं। और इसी इंटरनेट को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद ली जाती है। आज के समय ये केबल समुद्र में हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। आप ये कह सकते हैं कि समुद्र की गहराई में ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक बहुत बड़ा जाल मौजूद है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल की क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल वो कर सकते हैं जो एक नॉर्मल केबल नहीं कर सकता। एक ऑप्टिकल फाइबर केबल में इंसानों के बाल जितनी मोटाई का एक ग्लास फायर होता है, लेकिन ये एक पतला सा ग्लास फायर 24,000 टेलीफोन कॉल्स को हैंडल कर सकता है। वही 178 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि एक छोटा सा बाल जितना ये ग्लास वायर 100 मिलियन यूजर्स को बड़ी आसानी से फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन आखिर ये काम कैसे करता है? तो उसके बारे में जानने से पहले आप ये समझ लीजिए इसमें क्या क्या चीजें होती है। एक ऑप्टिकल फाइबर केबल में 5 तरह के पार्ट होते हैं, जिसमें पहला है कोर, दूसरा तीसरा कोटिंग, चौथा स्ट्रेंथ और पांचवा आउटर जैकेट। ऑप्टिकल फाइबर केबल का कोर वही पतला सा ग्लास वायर होता है जिसमें डेटा ट्रांसफर होता है, जिसके माध्यम से डेटा ट्रांसफर होता है। ये ग्लास वायर सिलिका से बना होता है। इसके बाद इसके ऊपर लेयर में होती है जो बेहद मजबूत प्लास्टिक से बनी होती है। उसके बाद बारी आती है कोटिंग की, जो इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। और इस केबल की आखिरी लेयर होती है आउट लेयर, जो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि ये समुद्र की गहराई में भी इस केबल को पूरी तरह से सुरक्षित रखती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऑप्टिकल फाइबर केबल काम कैसे करता है? सबसे पहले डेटा इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है, इसके बाद उसे लाइट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए इस डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, जैसे इस केबल के अंदर रोशनी पहुंचती है। बिल्कुल इसी तरीके से रोशनी लगातार केबल के अंदरूनी दीवारों पर टकराते रहती है, और उस पूरे प्रोसेसर को इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। आखिर इस केबल में रोशनी क्यों भेजी जाती है? ऐसा इसीलिए दोस्तों, ये रोशनी की रफ्तार सबसे तेज होती है। रोशनी 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करती है, और एक फास्ट इंटरनेट स्पीड के लिए रफ्तार बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस केबल की सबसे बदखामी ये है कि हर 100 किलोमीटर के बाद डेटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो कर देता है। इसलिए हर 100 किलोमीटर के बाद इस केबल के बीच में एम्पलीफायर लगा दिए जाते हैं, ताकि डेटा ट्रांसफर की स्पीड बिल्कुल मेंटेन रहे। तो यहां भी नहीं चाहेंगे कि आपका इंटरनेट स्लो चले। इसके बाद जहां तक इस डेटा को पहुंचाना होता है, वहां तक केवल आखिरी छोर में एक और सर्वर लगा दिया जाता है, जो बाकी सर्वर तक डेटा को ट्रांसफर कर देता है। ये पूरी तरह से बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।